अस्सलाम वालेकुम। तो पोको के एम सीरीज में एक नए स्मार्टफोन की एंट्री हो चुकी है और वो है द पोको M6 प्रो स्मार्टफोन, जिसका डिजाइन और फर्स्ट लुक मुकम्मल तौर पर अनवील हो चुके हैं। और डिजाइन आपके सामने आप देख सकते हैं, एक बहुत ही एक बड़ा सा स्मार्टफोन फील हो रहा है। स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल है, बड़ा सा यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल दिया गया, जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्लैश लाइट दिया गया है, पोको की ब्रांडिंग है और उससे नीचे कैमरा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। स्मार्ट को जो बैक साइड है वो मैट डिजाइनिंग के साथ है और ये बैक साइड ग्लास का होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल कलर में अनवील हो चुका है। ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर में अनवील किया जा चुका है। और ये स्मार्टफोन एक बॉक्सी फ्लैट फ्रेम के साथ प्लास्टिक का फ्रेम होने वाला है और ये स्मार्टफोन IP रेटिंग के साथ भी आने वाला है। यहाँ पर जो लुक है मुझे डिसेंट लगा है, खूबसूरत लुक है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है रेडमी नोट 13 प्रो 4G स्मार्टफोन से, एंड ऑफकोर्स ये उसी का रिब्रांडेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान मार्केट में भी ये काफी जल्द आने वाला है। पोको M6 प्रो स्मार्ट में दिया गया 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेशेट के साथ आएगा। एक सेंटर पंच होल कैमरा और सबसे मजे की बात, ये स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने वाले। काफी बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया, एंड ऑफकोर्स रेडमी जो है बोर्ड सीरीज में सबसे सुप्रीम डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे, तो ऑफकोर्स इस बार भी जो है पोको वाले भी उसी का रिब्रांड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्ले वाइज किसी भी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और सबसे मजेदार बात की अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर रहे, तो ये एक नया एडिशन है और ये मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है। इस स्मार्ट के प्रोसेसर ने मुझे डिसअपॉइंट जरूर किया है। मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर दिया गया और इसको हाई परफॉर्मेंस का नाम दिया है, क्योंकि लोगों को उल्लू बनाने के लिए काफी है। 6 NM पर बेस्ड और माली G57 का GPU है। स्मार्टफोन 8/128 और 8/256 GB और वेरिएंट में अनवील होगा, जो कि ऑफ कोर्स UFS 2.2 का स्टोर टाइप होगा। i13 के साथ में i14 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस सेगमेंट में थोड़ा सा मार खा जाता है, क्योंकि रेडमी नोट 13 प्रो 4G और ये पोको M6 प्रो 4G अब इसने जो है वो G99 की जान छोड़ देनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा अब पुराना हो चुका है और नोट 3 जो है बिल्कुल, या पोको का जो एम सीरीज है वो इस प्रोसेसर के बिल्कुल लायक नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और केबल प्रोसेसर होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल इन्होंने डिसअपॉइंट ज़रूर किया है। रही बात प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 11 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये स्मार्टफोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब महीने के पहले जो 10 डेज है उसमें इंशाल्लाह ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। रही बात प्राइस की, तो जो स्पेक्स आ रहे हैं और जो पोको के आजकल के जो हालात है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्मार्टफोन की प्राइस आई थिंक मैं समझता हूँ कि 55,000 तक होनी चाहिए, इससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोको M6 प्रो स्मार्टफोन की रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 64 MP का होगा F1.8 अपर्चर के साथ विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS दिया गया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और एक 2 MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर सेंटर पंच होल कैमरा में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया। स्मार्टफोन जो है वो रियर कैमरा से 2K 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सके, जबकि फ्रंट पर फुल HD+ पे रिकॉर्डिंग कर सकेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इस बार कौन से गुल के लाता है। तो यहाँ पर जो कैमरा वाले से मेरी एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि ये स्मार्टफोन OIS के साथ आता है, इस प्राइस में अच्छी बात है, अप्रिशिएट जरूर करूंगा। पोको M6 प्रो स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ आने वाले 7700 की फास्ट चार्ज की टाइप सी पोर्ट 3.5 mAh का और स्मार्टफोन 2 स्पीकर के साथ आने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है काफी एक डिसेंट डिजाइन और गुजारे लाइक स्पेस के साथ आता है। देखते हैं ये स्मार्टफोन कब और किस प्राइस में आता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।